इसके अंदर है ये लो ये लो। देखो व्यूअर्स, कैसे आप लोग, उम्मीद है सब ठीक होंगे अल्लाह के करम से। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ जी। देखें कितना जो है धुंध का मौसम हो रहा है, पता नहीं ये कैसे है, अचानक से जो है रात को इतनी हबस हो रही थी, अब इतना जो है धुंध आ गई, इतनी धुंध आ गई है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। बहुत ठंड हो रही है और मैं आपको अपने बकरों का हाल दिखा देती हूँ। मेरे बकरों ने ना जर्सी नहीं पहनी, क्योंकि रात को गर्मी थी। देखें जर्सी नहीं पहनी, मुझे लग रहा है इनको ठंड लग गई है। मैं इनको बाहर नहीं बांधूंगी क्योंकि बहुत ठंड है, ये अंदर ही सही है, इनको अंदर ही खाना देते हैं। आज मैं आपके साथ एक व्लॉग जो शेयर करने वाली हूँ वो ये है कि मैं इन्हें देने वाली हूँ कोई स्पेशल इंग्रेडिएंट जो इनके खाने में मिलेगा, आपकी बचत भी होगी, सब होगा, ठीक है। जो जी ये शॉपर के अंदर है जी, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इनको क्या देने वाली हूँ। जी मैं आ गई हूँ यहाँ पे अपने बकरों का खाना बनाने के लिए, ठीक है। तो मैंने ले लिया इनकी परात, इनका पानी ले लिया जी, इनकी गोने की परात ले ली और उसकी ले लिया खाना, मैं इसके अंदर बनाऊँगी। तो जी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं आज जो है क्या बनाने वाली हूँ, ठीक है। ये आज जो मैं इनको इंग्रेडिएंट दूँगी ये है, इसके अंदर है रोटी। आप कहेंगे बकरों को तो रोटी नहीं देते, उनका पेट ऐसा नहीं होता, मोटी होती रोटी, तो नहीं। रोटी को जो है आपने लेना है, रात को भिगोने रख देना है, ठीक है। रात को जब आप भिगोने रख देंगे फिर जो है रोटी जो है ऐसे हलवे की तरह नरम हो जाएगी। ये देख सकते हैं आप, देखिए कैसे हलवे की तरह ना हो रही है ये नरम, ये देखें ठीक है। ये हलवे की तरह जो नरम हो रही है ये देखें, ये ऐसे जो है रोटी को सारा जो है इसकी गुठलियाँ जो हैं इसके साइड साइड के जो अक्सर रोटी के साइड के किनारे जो होते हैं वो मोटे रह जाते हैं, लेकिन नहीं, रोटी के किनारे नहीं मोटे रहने चाहिए, उनके पेट में चले जाएंगे। ये बिल्कुल हलवा रोटी है क्योंकि रात को मैंने भिगो दी थी और अब सुबह तक ये देखे ऐसी बन गई है, पानी के अंदर भिगो रही हैं, ठीक है। तो अब जो है इसके अंदर जब आप रोटी देंगे तो इसके अंदर एक इंग्रेडिएंट है आपने वो ज़रूर डालना है, ये है सोडा, मीठा सोडा। तो इसमें सोडा डाल देते हैं, तकरीबन इतना सोडा तो आपने डाल देना है अपने बकरों के खाने के अंदर, क्योंकि वो हज़म कर लें। रोटी अक्सर होता है कुछ हज़म नहीं कर पाते, उनका पेट ख़राब हो जाता है, लेकिन ऐसे डालने के बकरे हज़म भी कर लें। देखें बिल्कुल हलवा रोटी बन गई है, ये हलवे की तरह रोटी बन गई है। अब इसके अंदर जो है हम तूड़ी डालेंगे, ठीक है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हम इसके अंदर और क्या करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं तूड़ी वगैरह जो है मैंने सारी इसके अंदर कर ली है, ठीक है। मेरा बकरा जो है चीख रहा है, बहुत ज़्यादा चीख रहा है, ठीक है। हमारी रोटी जो मैंने आपको दिखाई थी, ये रही रोटी जी। अब हमारा काम क्या है, हमने जो है इसको है मिक्स कर लेना है, अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, ठीक है। ये ऐसे करके ये सारा हमने मिक्स करना है, मिक्स करके जी फिर मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे दोनों हाथों से आपने मिक्स करना है, ठीक है। अच्छी तरीके से मैंने मिक्स कर लिया। अब आप लोग सोच रहे होंगे और क्या ऐड करना है, कुछ भी नहीं ऐड करना, हमारे बकरों का खाना रेडी है। क्यों? इसलिए क्योंकि इसमें रोटी मिल चुकी है और अब इसमें कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, बचत हो गई। ये होती है घर की रात की रोटी, बच जाती है, आपने भिगो देनी है उसको। और बकरों को जो है मोटा ताज़ा आप इस चीज़ से ही बनाएं, आप देखें ये बिल्कुल, बकरे जो है आपके बहुत शौक से खाएंगे, ठीक है। हमारे बकरे बहुत शौक से खाते हैं माशाल्लाह से। इसके अंदर अब आपको कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये आपके जो है बकरों का खाना मुकम्मल जो है बन चुका है, ये देख सकते हैं आप। अब मैं इनको हिस्सा बांट कर देती हूँ, फिर आपको जी ये बकरों को खिला कर दिखाते हैं कि हमारे बकरे ये खा रहे हैं कि नहीं। बकरों का जो है खाने का हिस्सा बांट हो चुका है, आधा उसका है आधा उसका जी। अब ये हम पहले उनका पर्दा उठा लेते क्योंकि मैंने पर्दा नहीं उठाया, ठीक है। धुंध अभी भी और बाहर बिल्कुल नहीं बांधूंगी क्योंकि ठंडा लग जाए, इनकी एहतियात भी ज़रूरी है। ये देख सकते हैं आप, इनका पर्दा निकाल लेती हूँ मैं, ये देख
हमारे बकरे का मैंने पर्दा हटा दिया, अब जो है बस इनको जो है खाना देना है। ठीक है, खाना ये रहा, ये गोने का, पहले गोना आ गया तो गोने को दे देते हैं। गोने ये लो गोना खा रहा है। हाँ, अपने राजू को भी दे देते हैं। चले भाई, चलो जी, जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे बकरे कितने शौक से खा रहे हैं, कितने शौक से खा रहे हैं आप ये खुद ही देख सकते हैं। ठीक है, ये स्पेशल इंग्रेडिएंट आप अपने बकरों के खाने में यूज़ करें, बकरे आपके बहुत मोटे ताज़ा बन जाएंगे और आपका इतना ज़्यादा खर्चा भी नहीं होगा। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, दुआ मैया रखिएगा, माशाल्लाह बोल दें, अल्लाह हाफिज़।